तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी जब भी सरकार में रही है नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो या 2020 के विधानसभा का वक्त, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नजर आई। हालांकि अब समीकरण बदल चुके हैं और साल 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायने में अहम है। पहली बार नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनकर नरेंद्र मोदी के समानांतर विकल्प बनने को तैयार हैं। वहीं बीजेपी भी अपने दमखम पर चुनाव लड़कर बिहार में दबदबा बढ़ाना चाहती है। बीजेपी बिहार की कुछ चर्चित सीट को लेकर खासकर गंभीर नजर आ रही है। इसमें भी सीवान लोकसभा सीट पर बीजेपी की खास नजर है। इसी कड़ी में बीते दिनों बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव सीवान पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाया। वहीं इन योजनाओं में जो कमी रह गई है उसके लिए उन्होंने बिहार सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में भी बिहार सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। इसके अलावा बीजेपी नेता पार्टी के उन पुराने कार्यकर्ताओं से विशेष तौर पर मिल रहे हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पांव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। इस कारण रोगी तनावहीन भावना और डिप्रेशन में रहता है। इन कार्यकर्ताओं से पार्टी नेता टिप्स भी ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पार्टी की नई रणनीति भी समझा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी एक महीने तक अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसमें जिले में 1000 गैर राजनीतिक प्रभावशाली लोगों से संपर्क साध कर उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और उनकी राय लेनी है। इसके साथ ही पार्टी के निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की भी सुध ली जाएगी। इस संबंध में नंद किशोर यादव ने भाजपा के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। इसमें पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, दरौदा के विधायक ब्यास सिंह आदि लोग मौजूद थे। बता दें कि सिवान लोकसभा सीट पर बीजेपी के सबसे बड़े दावेदार ओम प्रकाश यादव और पूर्व MLC मनोज सिंह बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मंगल पांडे समेत कई छोटे बड़े नेता इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि बीजेपी इस सीट पर क्या फैसला लेती है। हालांकि यह तो तय है कि सिवान के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपनी रणनीति की शुरुआत कर दी है।